अगर फिल्म जगत में सर्वाधिक सफल गीतों के सृजन की बात हो तो संगीतकार रवि का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। कहानी की सिचुएशन और गीत के मुताबिक धुनें तैयार करने में उनका कोई सानी नहीं था। रवि की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि ना जाने वो कितनों की शामों को गुलजार करते थे तो कितनों की रातों का सहारा बनते थे। आज संगीतकार रवि की पुण्यतिथि है, पेश है कीर्ति शेष में हमारी खास रिपोर्ट। हिंदी फिल्मों को एक से बढ़कर एक सदाबहार गानों की सौगात देने वाले रवि गायक बनने की तमन्ना लिए मुंबई आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मकबूल संगीतकार बना दिया। उनके संगीत का तिलिस्म ऐसा था कि एक पूरी पीढ़ी ने शादी ब्याह में बारात के आगे आज मेरे यार की शादी है इस गाने पर जमकर भंगड़ा किया, तो फिर बाबुल की दुआएं लेती जा सुनकर आंखें भिगोई और चंदा मामा दूर के जैसी लोरी सुनाकर बच्चों को सुलाया है। 3 मार्च 1926 को दिल्ली में जन्मे रविशंकर शर्मा को हिंदी सिनेमा के आकाश में चमकते सूरज के रूप में देखा जा सकता है। रवि ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनकी दिली तमन्ना पार्श्व गायक बनने की थी और इसी तमन्ना को दिल में दबाए इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करने वाले रवि मुंबई आ गए, जहां पर हेमंत कुमार ने उन्हें सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का मौका दिया। रवि को ज्यादा लाइमलाइट में रहने का शौक नहीं था। उनका ऑर्केस्ट्रा भी काफी अलग तरह का था। उनके संगीत ने कभी भी गायकों को अभिभूत नहीं किया और वो गायकों को पूरा स्पेस देते थे। एक दौर में रफी और रवि ने बॉलीवुड को ढेरों हिट गाने दिए, जिनमें से चौधरी का चांद हो, फिल्म चाइना टाउन का बार बार देखो और फिल्म वक्त का ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं जैसे गीत दर्शकों में काफी पॉपुलर हुए। रवि उस दौर के संगीतकार थे जो पहले धुन नहीं बनाते थे, बल्कि गीत पहले लिखा जाता था और उस पर रवि काम करते थे। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लंबा ब्रेक लिया, उसके बाद वापसी फिल्म निकाह से की, जिसमें उनके दिए संगीत का गीत दिल के अरमां आंसू में बह गए हर जुबान पर चढ़ा है। मलयालम फिल्मों के साथ जुड़ने के बाद 7 मार्च 2012 को महान संगीतकार रवि का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।